गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में एक शिक्षण योजना लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि मेरे शिक्षक साथी इस योजना का पूर्ण लाभ उठाएंगे और यह योजना उनके लिए पूर्ण मददगार साबित होगी। तो चलिए, आज की शिक्षण योजना आपके सामने प्रस्तुत है। यह योजना कक्षा 8 की है, जिसका विषय संस्कृत है। प्रकरण मातृ देवो भव, दिवस प्रथम, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, पहला पॉइंट, छात्र गद्य पाठ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। सेकंड, गद्य पाठ के अर्थ को बता लेते हैं। थर्ड, पाठ में निहित संदेशों को समझ लेते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक सीखने सिखाने की प्रक्रिया, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, चरण, समय, आकलन के तरीके। चरण में पहला पॉइंट, शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आपकी सेवा व देखभाल कौन करता है, माँ घर पर कौन कौन से काम करती है, यदि कभी माँ की तबीयत खराब हो जाए तो उनकी देखभाल कौन करता है, आप अपनी माँ की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। उपरोक्त प्रश्नों के छात्रों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर चर्चा के उपरांत शिक्षक छात्रों को आज के पाठ का शिक्षण कराएंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ पढ़ा जाएगा तथा अर्थ स्पष्ट किया जाएगा। सभी छात्र साथ ही अनुकरण वाचन भी करेंगे। समूह कार्य, शिक्षक छात्रों को आवश्यकता अनुसार समूह में बांटेंगे तथा छात्रों को स्वयं पुनः पाठ को पढ़ने का अभ्यास करने को कहेंगे तथा किसी समस्या की स्थिति में छात्रों के उच्चारण व त्रुटियों का निदान करेंगे। प्रस्तुतिकरण, प्रत्येक समूह से एक या दो छात्र पाठ्य वस्तु को पढ़कर अर्थ बताएंगे तथा आवश्यकता अनुसार समूह के अन्य छात्रों तथा शिक्षक द्वारा उनकी सहायता एवं उत्साहवर्धन किया जाएगा। शिक्षण के बाद शिक्षक द्वारा कुछ प्रश्नों के माध्यम से पाठ की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। छात्रों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर पाठ के प्रति उनकी समझ का आकलन किया जाएगा तथा यथास्थिति छात्रों की मदद एवं सही उत्तर पर प्रशंसा एवं उत्साहवर्धन किया जाएगा। गृह कार्य, सभी छात्र पाठ के शब्द अर्थ तथा अभ्यास प्रश्न संख्या 2 एवं 3 करके लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, पाठ अभ्यास कार्य पूर्ति हेतु नवीन शिक्षण योजना का निर्माण। तो साथियों, अंत में इस तरह की अन्य योजनाओं को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।